आज तीसरे राउंड तीसरे दिन की चर्चा होनी है, प्रधानमंत्री फिर जवाब देंगे, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। लेकिन जिस अंदाज में धुआंधार तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने, क्योंकि बैकफुट पर आनंद दुबे जी ये सरकार नजर नहीं आती है और बार बार कहती है कि मणिपुर बहाना है, विपक्षी गठबंधन को बचाना है, 2024 पर आपका याद रखिए वाजपेयी जी ने क्या कहा, सुनिए मेरी बात, सुनिए अपने लीडर की बात सुनिए। वो आए करना में आए पाकिस्तान के बॉर्डर के पास और कहने लगे, सुनिए एक मिनट, कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हमने पड़ोसी के साथ दोस्ती में रह के रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की कम हो जाएगी। ये आपके लीडर की बात है, सुनिए आप उसको माने या ना माने, अगर आप में दम है, मैं आज आपसे कहता हूं, इस हाउस से कहता हूं, और आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए। हो गया, हम तो रोक नहीं रहे, हम तो कभी नहीं रोका, हम नहीं रोकते, करो करो, मगर हम पे शक करोगे कि हम पाकिस्तानी हैं और तब तक शक करोगे, बात करनी है। मैं आपसे कहता हूँ सुनिए, इस शक को छोड़िए और हमें भी गले लगाइए जो इस वतन के साथ खड़े हैं और इस वतन के साथ खड़े रहेंगे। हमने गोलियां खाई, एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है न सदन को अविश्वास है और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है, ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। अल्पमत का तो सवाल ही नहीं है, अल्पमत का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक जो अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोले हैं और जो समर्थन सदन का दिखाई पड़ा है, मतदान होगा तब होगा जो कराएंगे तो, परंतु जो समर्थन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं। तो आपने सुना गृहमंत्री अमित शाह ने जिस तरह से हमला किया था, वो तमाम बातें, अल्पमत का सवाल नहीं, जनता का विश्वास हम ही पे है, जनता नरेंद्र मोदी में ही विश्वास रखती है, आप अपना आपसी विश्वास बढ़ाते रहिए, हमारे खिलाफ अविश्वास लाने से कुछ नहीं होगा, ये बोलते हुए गृहमंत्री। आनंद दुबे जी, आपकी आधी बात ही गई थी, दो लाइन में अपनी अपनी बात पूरी कीजिए। कुल मिलाकर क्या 24 पर निशाना नहीं है? वरना क्वेश्चन आर तो चलने देते, लोगों के सवाल तो पूछने देते देश की संसद में, उन सब से मतलब नहीं है, मतलब है कि अपने नेता मणिपुर पर सरकार को घेर सके और अपनी बात कह सके। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हम चाहते थे पहले दिन से कि प्रधानमंत्री जी सदन में आकर मणिपुर पर बोले। प्रधानमंत्री आए भी, उन्होंने सदन के बाहर एक 36 सेकंड का अपना भाषण दिया। हम तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी वैसे बहुत बोलते हैं, कोई सरकारी कार्यक्रम हो, कोई लोकार्पण हो, वो खूब बोलते हैं, कोई चुनावी भाषण हो, वो खूब बोलते हैं, हर राज्य टू राज्य बोलते हैं। भाई जब सदन चीख कर कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी आइए मणिपुर पर चर्चा करते हैं, बताइए हकीकत क्या है, तो आदरणीय गृह मंत्री जी कहते हैं इतिहास का हवाला देकर कि भाई हमसे पहले के भी बहुत सारी सरकारों में अलग अलग एमओएस ने भी जवाब दिया। यदि आदरणीय गृह मंत्री जी आप इतिहास की बात करेंगे तो आपको यह भी जानना होगा कि इतिहास में उन लोगों का, उन पार्टियों का क्या हश्र हुआ, शाइनिंग इंडिया का क्या हश्र हुआ, यूपीए 2 कैसे हार गई, तो एनडीए
लट्टू भी 2024 में हारने वाली है क्या? हाँ। आप ये कहना चाहते हैं क्या? फिर आदरणीय अमित शाह जी, आपने कहा कि हमने डीजीपी बदल दिया, वाह भाई वाह, हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, वेरी गुड, लेकिन मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदला? आप जवाब देते हैं कि मुख्यमंत्री कॉपरेट कर रहे हैं। किस प्रकार का कॉपरेट कर रहे हैं? मुख्यमंत्री तो पहले दिन से कह रहे हैं कि एक वीडियो आया है तो आपने तूल मचाया है, एक वीडियो आया है तो आपने तूल मचाया है। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे वीडियो बहुत आते हैं, ऐसी हिंसाएं हमेशा होती है, आपने उन्हें तत्काल नहीं बदला। दुबे जी, यही प्रश्न इनसे पूछ लेते हैं। शिवम त्यागी अब प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ आ गए। मिस्टर त्यागी, ये बताइए कि आखिर क्या सीएम होने का क्राइटेरिया, वो भी एक ऐसे राज्य में जहां की परिस्थिति स्पिन कर रही है, आउट ऑफ कंट्रोल, उसकी यही प्राथमिकता है कि वो सहयोग कर रहा है इसलिए बना रहेगा, उसकी नाकामी को क्यों नजरअंदाज किया गया? एन बीरेन सिंह की मणिपुर में नाकामी को क्यों नजरअंदाज किया गया, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। किसी भी राज्य में अगर आपने कहा कि किस तरह की कोर कॉम्पिटेंस चीफ मिनिस्टर की होनी चाहिए, मुझे लगता है कहीं पर भी मणिपुर जैसे हालात अगर होते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक रहे, चीजों को कंट्रोल में लाया जाए, भागा ना जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 64 साल के इतिहास में वहां पर 11 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं और 10 बार चीफ मिनिस्टर्स को हटाया गया। सिचुएशन आज भी ऐसी की ऐसी ही है। आप मुझे बताइए आपने कितना बदलाव कर लिया। और मैं पास्ट में नहीं जाना चाहता, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब एक राज्य के बारे में, वहां की सरकार के बारे में विषय उठेगा तो जाहिर है वहां की सारी चीजें उठेंगी। आई बोबी सिंह के साथ आपने क्या किया, उनको कितनी बार हटाया, बिल्कुल ठीक बात कही। इस देश के गृह मंत्री ने कल कहा कि जिस तरीके से हालात हुए थे 1993 में आपने देखा, और ये बात बिल्कुल सच है। सवाल क्यों ना पूछा जाए, मुख्यमंत्री आपके थे दौरेंद्र सिंह, सरकार आपकी थी नरसिंह राव जी की, और जाहिर है ना प्रधानमंत्री आए ना गृह मंत्री आए, जवाब देने आए तो MOS, यानी कि आप सरकार में तो हो। क्या ये विपक्ष की सफलता मतलब है कि उन्होंने आपको मजबूर कर दिया अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सदन में बोलने के लिए? विपक्ष अपने आप में विश्वास खोया हुआ है, बुरा हाल है। और अगर मणिपुर की जहां तक बात करें, राहुल गांधी को लेकर कल विषय उठा, एक चीज बताइए 44 मिनट में 14 मिनट तो वो अपने बारे में बोले हैं, ठीक है, मेरे टखने में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मुझे बच्चे से मिला, मुझे वहां से ताकत मिली, उसके बाद ये हुआ वो हुआ। हम इंटरेस्टेड नहीं है। अंजना जी का शो अगर यहाँ पर चल रहा है और विषय है कि हमें आज अविश्वास प्रस्ताव पर बात करनी है तो हम उसी पर करेंगे। मुझे आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अखिलेश जी एक चीज और कह रहे थे, थर थर कांप रहे हैं राहुल गांधी से बीजेपी, 400 से 52 पर ले आया एक व्यक्ति आपको, थर थर हम कांप रहे हैं। 45 मिनट आपको पूरे विपक्ष ने इकट्ठा करके दिए कि किसी तरीके से मणिपुर के बारे में 4 सवाल पूछेंगे। आप में इतनी कोर कॉम्पिटेंस नहीं रही कि 45 मिनट आप वहां चर्चा कर